हेलो गाइस, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द वेब सीरीज ऑफ नेटफ्लिक्स जिसका नाम ऑल ऑफ अस आर डेड है, जो कि इंडिया में हिंदी में भी रिलीज हो चुकी है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस वेब सीरीज में हर एक किरदार के पीछे हमारे इंडिया के कौन कौन से वॉइस आर्टिस्ट ने अपनी आवाज दी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ज़ॉम्बीज से सरवाइव कर रहे स्टूडेंट्स और टीचर्स के हिंदी वॉइस आर्टिस्ट को। मेरे मुंह से बातें निकलवाना चाह रहा है ना साले, तुझे पता है सारी दुनिया खत्म भी हो जाए और सिर्फ वो मैं और ज़ॉम्बी बचे ना, तो भी मैं ज़ॉम्बी के साथ डेट पर जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, बचपन से हम एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, इसलिए उसकी मॉम मुझे हमेशा चिकन खिलाती रहती है। मुझे उसकी मॉम के हाथ का चिकन तो बहुत पसंद है, पर वो बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे चुप, मैं खुद ही चला जाऊंगा, मैं खुद ही चला जाऊंगा यहां से। मैं क्यों सबको काटूंगा? हम सब तो बहुत अच्छे दोस्त हैं ना, मैं पागल हो गया तुम लोगों को काटूंगा। अगर मैं चला गया तो सब ठीक हो जाएगा ना? अंजो, तू ज्यादा फिक्र मत कर, मुझे यकीन है सुयोग ठीक होगा। वो एथलीट है और सबसे तेज भागता है। किसी पागल ने मेरे ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर चला दिया। फायर एक्सटिंग्विशर? हाँ साला, समझ नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है। क्या कोई बात नहीं, तू है ही नीचा दिखाने लायक। हमारी बिल्डिंग में भिखमंगों का घुसना मना है, लेकिन तू फिर भी घुसता है, और तू और मुझे धक्का भी मारा। अगर तुझे इतना ही यकीन है तो इसे साफ करना। तेरा ये रुमाल लगाने से पहले वो बिल्कुल ठीक था। मतलब वहां भी वायरस फैल गया होगा। एक मिनट, ये चलता है क्या? इंटरनेट 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 इंटरनेट। क्या मतलब है तेरा? हमारी वजह से क्या हुआ है? नायोन ने ग्योंगसु को मारा और खुद को बेचारी बताकर यहाँ से बाहर चली गई। मिसबा, कुछ बच्चे तो स्कूल से चले गए होंगे ना, मुझे लगता है कि हम किस्मत वाले हैं। और मिस पार्क का क्या? क्या उन्हें भी जिंदा रहने का हक? जो भी हो यार, लेकिन ये सब हमारी वजह से ही तो हुआ है। भीख मांगकर खाने वाला। क्या? भिक्कू भीख मंगे का शॉर्ट फॉर्म है, जो भीख मांग के खाता है। दो लूजर्स एक दूसरे को पसंद करते हैं, दो लूजर्स मिल जाए तो और भी बड़े लूजर्स कहलाते हैं। तो तू मुझसे दूर ही रह, समझा? प्लीज यूंजी, ऐसा मत करो। तुम बात तो बसते क्यों नहीं? अगर तुम मर भी गई तो भी वीडियो पोस्ट हो ही जाएगा, तो मरने से क्या होगा? पर हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? उन्होंने देखा तो हम सबको खा जाएंगे। तुझे जाना है तो तू जा, मैं तो बाहर नहीं जाने वाला। हिम्मत कर साले फट्टू, ऊपर से देख, वो ज़ॉम्बी बनी तो मार देना। हालिम को मार दूँ? हालिम नहीं है साले, वो ज़ॉम्बी है। ये लोग ठीक है, ज़ॉम्बीज गाली नहीं देते। हाँ, वो इमरजेंसीज के लिए वहाँ हॉटलाइन लगाई गई है। कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी सारे तीर वहीं पर रखे हैं। इस वक्त मेरे पास तीर बहुत कम है, और यहाँ से निकलने के लिए हमें और तीर चाहिए। मुझे लगता है ठीक है निकल। क्या साले, पहले तो तू भी मजे लेता था, अब हीरो बनने चला है साले हराम खोर। अब तो सुधर जा साले। अरे बाप रे, देखो मिस्टर प्रिंसिपल, अगर ये कोई गेम होता ना तो मैं सबको हरा डालता। ओए क्या वहां, क्या देख रही है? हाँ नौटंकी साली। बस बहुत हो गया, कब से बोले ही चली जा रही है। ये ले देख ले, आना आ और देख। अरे आना, ध्यान से सुनिए, मैं हूँ पाक सुनहुआ, इंग्लिश टीचर। हमारे स्कूल में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स बिना सोचे समझे दूसरे लोगों पर हमला कर रहे हैं, इसलिए सब भागकर किसी सेफ जगह पर चले जाए। आपको समझ में आ रहा है आप क्या बकवास कर रहे हैं? हाँ, वैसे ही स्कूल में इवैल्यूएशन होने वाली है, और आपने मुझसे पूछे बिना एम्बुलेंस बुलवा ली। अगर बात पुलिस तक पहुंच गई होती तो योंजू को हॉस्पिटल नहीं भेज सकते, उसे क्वारंटीन में रखना होगा। सुन रहे हो क्या कह रहे हैं आप? आप जानते हैं उसे सताया जा रहा था, और आपने उस बात को दबा दिया। च्योंग सेन के माता पिता तथा बाकी के कैरेक्टर्स को आखिर हिंदी वॉइस किसने दी, चलिए देखते हैं। हद है, वहाँ भी वही और यहाँ भी, हर जगह बेटे का चेहरा लगाने की क्या जरूरत है? अब बेटे का चेहरा लगाने में क्या खराबी है? तुम ना सही में बहुत ही बुरी सास बनोगी, सिर्फ बेटे का ही पक्ष लेने वाली हो और बहू से हमेशा झगड़ा करती रहोगी।
देखो आज मैंने तुम लोगों के लिए नई रेसिपी तैयार की है। ये वाली कम मिर्ची वाली है और ये वाली ज्यादा मिर्ची वाली है। कैसी लगी? देखो जो भी है सच सच बताना। दो दिन पहले टोल नाके के पास एक्सीडेंट हो गया था तो मुझे जाना पड़ा। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, होनहार हो या बेवकूफ, एक्सीडेंट सबके लिए बराबर होता है। इसलिए मास्क जरूरी नहीं है, सेफ और हेल्दी रहना जरूरी है। जुर्म खुद करोगे और उसका भांडा दुनिया, समाज और दूसरों के सर फोड़ोगे। जब तुमने बेटे के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई थी, कहा था ये दुनिया मेरे बेटे को निगल गई है। तुम्हारे बेटे को निगल जाने के लिए दुनिया एनाकोंडा है? अरे स्टूडेंट को तो स्कूल में आना चाहिए, रेस्टोरेंट में क्या कर रही? अरे बंदी क्यों है? मार्शल लॉ कमांड ने इस महामारी को दूसरे इलाकों में फैलने से रोकने के लिए योसान इलाके को पूरी तरह से सील करके कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। अगर आप मार्शल लॉ वाले इलाके से बाहर रहते हैं तो प्लीज अपना काम जारी रखिए, परेशान मत होइए। आप एक फायर फाइटर हैं और मैं पॉलिटिशियन। जानते हैं हम लोगों के लिए सबसे मुश्किल वक्त कौन सा होता है? ऐसा वक्त जहां हमें ज्यादातर लोगों को बचाना होता है, ना कि उन लोगों को जो हमारे लिए अहम। एक मिनट, तुम चाहते हो हम उस छत पर जाएं जो ज़ॉम्बियों से भरी पड़ी है? और वो भी कल सुबह 11 बजे? हम आज रात को 11 बजे क्यों नहीं जा सकते? अरे यहाँ मैम कैसे सो सकती है? तुम दोबारा उनसे बात करो। देखिए दूसरे लोग जमीन पर बैठकर इंतजार कर रहे हैं, बाहर जाकर देख सकते हैं। जितना हो सकता है आपको सहूलियत देने की कोशिश हो रही है क्योंकि आप MLA हैं। एग्जामिनेशन के लिए इंतजार का वक्त 12 से 72 घंटे है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो पर एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहें।